नमस्कार, मैं हूं धनश्री के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, कोलार इलाके में रहने वाले वृद्ध को एक जालसाज ने बहू की नौकरी मैनेज में दिलवाने के नाम पर ठग लिया। आरोपी ने पीड़िता से करीब 7.5 लाख रुपए लिए और बाद में अपना घर और मोबाइल नंबर दोनों बदल लिया। फरियादित ने तंग आकर पिछले दिनों आरोपी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। आवेदन की जांच के बाद में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच कर रही है। बहू की नौकरी लगवाने के नाम पर 7 से 7 लाख ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाज ने रकम मिलते ही मोबाइल नंबर और घर दोनों बदल लिए। पुलिस के मुताबिक उषा देवी श्रीवास्तव गौरव नगर बैरगढ़ चिचली कोलार रोड पर रहती है। उनके परिवार का गुजारा 80 साल के रिटायर्ड पति मुकुट बिहारी श्रीवास्तव के पेंशन से चलता है। उनकी बहू पूजा श्रीवास्तव परिवार की देखरेख करती है। आरोपी नरेंद्र देशमुख उर्फ राजू का उनके घर आना जाना था। नरेंद्र ने उषा देवी को बताया है कि वो उनकी बहू पूजा की नौकरी मैनेज में लाइब्रेरियन के पद पर लगवा सकता है, जिसमें पहले महीने से तकरीबन 70,000 रुपये वेतन मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ रुपयों की जरूरत होगी। बहू के भविष्य के खाते बुजुर्ग महिला ने किसी तरह धीरे धीरे करके उसे 7 लाख रुपये दे दिए। कुछ दिनों बाद नरेंद्र ने कहा कि वो कुलपति के साथ दिल्ली जा रहा है, वहाँ से लौटने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी करवा देगा। दिल्ली से लौटने के बाद ज्वाइनिंग लेटर बनवाने के लिए उसने 20,000 रुपये और ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। महिला जब भी नौकरी की बात करती तो वो कोरोना संक्रमण की बात कहकर टाल देता। बाद में उसने अपना मकान और मोबाइल नंबर बदल लिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी, दरअसल कोलार में एक FIR रजिस्टर किया गया है। फरियादी उषा देवी श्रीवास्तव और आरोपी नरेंद्र देशमुख। इसमें पूरा का पूरा विवरण कुछ इस तरीके से है कि लगभग 7,20,000 रुपये जो है फरियादी से जो है लिए गए थे और बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहे और नौकरी नहीं लगवाया गया। इसी में जो है नौकरी को लेकर के जो है धोखाधड़ी की गई है और अभी तक जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। अभी जांच में ही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो। अभी ये जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी फरियादी हैं, ये जिस तरह से जैसे अभी आपके माध्यम से भी जानकारी लगी कि पुलिस भी जो है इसको प्रचार करेगी और जो भी फरियादी हैं वो कोलार थाने में आकर अपने जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। महिला ने जब अपने स्तर पर पता लगाया तो मालूम चला कि नरेंद्र शातिर जालसाज है और पिछले 10-12 सालों से इसी प्रकार से ठगी करके अपना परिवार चला रहा है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।